अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार का दिन है, मौसम बड़ा शानदार बना हुआ है। देखिए ना, बादल आ रहे हैं, फिर हवा ठंडी ठंडी चल रही है। देखिए किस तरह पौधे हिल रहे हैं। ये और उम्मीद है कि आज बारिश आएगी, लाजमी लग तो वैसे रहा है। आज सारा दिन क्योंकि घर पे ही थे, सुबह से 2 बज गए हैं। अभी खाने का इंतज़ाम किया और खाने में जनाब हमने बनाए हैं पाए बकरे के। कल जो कुक ने बनाए थे वो आज हमने ये खाने हैं। सुबह अभी सुबह कहने नाश्ता ही 2 बजे होने लगा ना हमारा। फिजान ने जनाब आज ज़िंदगी में पहली बार नहीं, तीसरी चौथी बार तीसरी चौथी बार जी। सेवैयाँ बनाई हैं। ये चेक करें, घी वाली घी वाली। जी, चल चेक कर, खा के बता। चीनी लाइट साथ है, लाइट ही है चीनी। गर्म है थोड़ी सी, चेक करके बता कैसी। ठीक है, बस चीनी कम है। 5 बजे का टाइम हो गया है और बादल आ गए तो फिर गायब हो गए। मैंने तो कहा था बरसेंगे, फिर भाग गए हैं। वो वैसे दूर है सही, अभी भी वो देखे हो सकता है रात को आ जाए। घर बैठ बैठ के तो बोरियत तो हो गया। हमने फैसला किया कि चलें फार्म पे, फिजान और बेगम साहब के साथ। और ये तैयारी देखें बेगम साहब कैसे, जैसे मीना बाज़ार पे जा रही ये फार्म वाले कपड़े ऐसे ही है। ये तो फैंसी कपड़े हैं, फिर पहन के फार्म पे जा रही क्यों फिजान? फार्म पे जाने वाला की ड्रेस है। चल फिजान दरवाजा खोल, चले। बुलबुल का बच्चा भी जनाब बता रहे हैं उड़ गया है। कल अपनी माँ के साथ ना यहाँ से उड़ के इस जानवर फरार होते हुए देखा गया है। अब पता नहीं बेचारा बच्चा होगा कि मरा होगा। बिल्लियाँ भी बड़ी हैं यहाँ पर। कितना प्यारा बच्चा है इस बकरी के साथ ये। लेकिन बकरियों की खुराक कोई नहीं ना, बेचारी सारा दिन इधर ही रूढ़ी से जो खाना है खाना है। देखे ना, माँ की अपनी सेहत ही कोई नहीं तो बच्चा बेचारा उसने क्या पालना। इसीलिए तो ऐसी बकरियों के साथ ज़्यादा बच्चे नहीं बचते ना, एक आध तो बच जाता है। चरवाहा भी आ गया वापस लेके जाने के लिए, रूढ़ी चरवाहा। आज तो जनाब इधर खोता बांध गया, अभी पता नहीं देखे ये भी दरवाजे के आगे। फार्म से जनाब रक्षा चारा इधर लेने आ गया है। ये देखे ना फार्म के, ये पहले इधर ही होते थे ना, ये लड़का रैबिट फार्म उधर ट्रांसफ़र हुआ गया, अभी उधर ही चला गया। अब ये चारा लेने इधर आया है। हाँ ये आफ्ताब आ गया अपने फार्म इचे पुराने इचे। अच्छा भट साहब भी जनाब सब्जी उतार रहे हैं उधर, चल के देखते हैं। चल आ फिलहाल भट साहब को चेक करें। बारिश हुई है ना कल, आज धूप निकली है तो इस तरह हर एक चीज़ ना चमकदार हो गई है। हर एक चीज़ पे रौनक आ गई, हर एक चीज़ चमक रही। अस्सलाम वालेकुम भट साहब, ठीक हो जनाब? की हो रहा है? कूली एडी वड्डी करन दा मकसद ही के बस कतू है ये ताड़ी ते तेरा मारना पर जेड़ा कोई इतो निकल गया घर। कल मैं दे आया सी सब्जी घर, आओ मैं इसे एंची डेढ़ तो इससे भिंडी हो जाए ना ला रिया। जी दाई दे कोई है ना सर, तू ओजन हो गई घर दे विच छुपी होदी, आज घर शाम मारया ना। हां तोड़ पाई ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢ ਲਈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਿਗੋਟ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਪਿਆਸ ਸੁਰ ਪਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਿ ਤੋਂ ਭੋਲ ਲਵਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰ। ਠੀਕ ਰਾਖੜ ਦਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਲਾਕ ਖੋਲੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹਮਨੇ ਕੀ ਕੀ ਉਧਰ ਸੇ ਫਾਰਮ ਸੇ ਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ
बस प्याज ही दिए, कद्दू भिंडी ये चीजें नहीं ली। फार्म पे जो हमने बतखों के लिए पूल बनाया है, पता नहीं उधर अब बतखों ने नहाना शुरू भी किया कि नहीं किया। कल परसों जो बारिश हुई थी उससे ये पानी भरा हुआ था इसमें, अब तो पानी खुश्क हो गया, बतखे भी गायब है। दार से पूछते हैं कि बतखे नहाई थी, बतखों ने को नहाना शुरू किया है कोनी? शुरू किया तो पानी खत्म हो गया, बारिश ही नहीं, नहाती हैं ठीक है। ये बतखे तो नहाती हैं। चला फिजान देखें बतखों की क्या पोजीशन है जो अंडों पे बैठी हुई है। ऊपर से तो बतख फिलहाल गायब है, ये नीचे वाली बतख भी गायब है। अंडे बड़े हुए हैं, बतख गायब है। बतखों के नए बच्चे जो हैं ये भी मुझे तो फिट फाट ही लग रहे हैं सारे। ये देखा, ये तो डेड पड़ा था, एक तो मारा गया लेकिन बाकी ठीक है। ये देखें बाकी ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, बार बार पानी की तरफ आना फिर खाने की तरफ चले जाना। ये सारा दिन ये किधर पानी पीते हैं फिर उधर खाने चले जाते हैं, यही गांव है इनका सारा दिन। लगे हैं फीड शायद कोई ना उसने दी ना, लड़ाई जा रही है सारे ही कलर के। हाँ एक ही कलर के, इन्हें कहते हैं हॉकी कैमल टक्स ब्रीड। अब बैठ के इधर फार्म में जनाब हम पीते हैं दूध पत्ती बकरी के दूध की। बारिश बादल उड़ते उड़ते आते हैं, कभी गुजर जाते हैं, पर हवा बड़ी ठंडी चल रही है। हम तो इधर बैठ के अब दूध पत्ती इंजॉय करते हैं। चेक कर आ रही ने इतने लोग क्यों आए ने। बकरियों की भी देखे ना कितनी एक्साइटमेंट होती है। अब इधर हम आके खड़े हुए हैं, ये सारी इधर देखने आ रही हैं कि ये इधर क्या करने आए हैं। ये अभी देखें उस इधर जाएंगे ना, हम इधर वाली भी आ जाएंगे। अभी ये देखें अभी ना आस्ता आस्ता करके ना ये देखें ये आना शुरू हो जाएंगे। ये अरे इनकी जो एक्साइटमेंट है ना ये नहीं ख़त्म हो सकती, हर एक चीज़ को खाने की कोशिश। ये देखें ये देख कोई भी चीज़ है देखो खाने की कोशिश। मैंने खाएगी तो थोड़ा काम आसान होएगा। खारा खारा मगरू लेगी सलाम ले रही तुसी कहना जेड़ा काम कोई नहीं कर सका बकरी कर देता है, जिंदाबाद। अब सारी यहाँ पे इकट्ठी होकर चेक कर रही हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे, हम इंस्पेक्शन करने आए हैं यहाँ पे आप सब की। आप क्या क्या कर रही हैं? ये सारी जो है ना ये अब दो दांत तकरीबन हो गई हैं या होने वाली है ना। एक बात है
आप मुझे बकरी समझते, मैं खुश होती कि इतनी वैल्यू दी आपने मुझे ना। अब इसका ना मुंह किसी का चेक करें, इधर मुंह तो चेक करो, की समझ दांत चेक कर रहे हैं। ये देखा, ये खीरी है, खीरी है ज़्यादातर, और कुछ जो है ना इसमें अब दो दांत तकरीबन होने वाली हैं या हो गई होंगी ना। बकरियों के साथ खड़े होके सेल्फी बनाना आसान काम नहीं है। लड़कियों की तरफ जा रही है। हाँ, लड़कियों, माँ और लड़कियों की तरफ है, वो भी लड़की है। इधर से तो नहीं आई, ये टूट गया ना इधर से, ये देख ये है ना, इधर से आई है। अब उसे उन्हें कहें ये कहाँ से देखे पहले, उसी उसी पोर्शन में इसको करें। एक मिनट, अब फैजान दौड़ नहीं लगवानी। काशिफ भाई कितों आई, अब ये खुद जाएगी वहाँ जहाँ से आई है ना, खुद वहाँ से जाने की कोशिश करेगी। ये इधर से आई है, ये देखें कितनी ये होती है ना शरारती। अब ये देख इधर से ऐसी अपना इस तरह ना यार यार तू फैंस लग सकती है, तू जख्मी हो सकती अंदर जाने, उधर फिर उधर फाड़ के ले जाओ उधर, फिर चल पकड़ी सर। नहीं एकदम पकड़ लेना, एकदम नीचे से टांग से पकड़ लेना, जाए ना पकड़ 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 बस 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 उधर जाके ना छोड़ दो यार, क्योंकि इतू ना फैंस नहीं सही, जख्मी ना हो जाए। दूसरा ना इन काशिफ फिल फोर ने इतने को बंद करो, ना तार ला दो, बकरियां जो है ना ये बस थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए उधर से निकल जाती हैं। अभी देखें इतनी जगह है, यहाँ से ये फरार होने के चक्कर में भी चले चले जाएंगे। जा मैं भी जा सकती हूँ, वो तंग ना करेंगे, लेकिन ये लग सकता है ना आ जाए। देख कितना प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, देहातों का मौसम, जिंदगी ना मज़ा इसी मौसम का ही है, मतलब देहातों की जिंदगी का मज़ा है, खासतौर पर जब बारिश हो तो उसके बाद। सुसाइड करेगा यार, छलांग लगा के ना, कितना छोटा सा ये देखे जी, मच्छर भी आ चुका है। शाम का टाइम होने लगा और हम अब तैयारी करने लगे हैं जी वापस घर की, चले आज चले टाइम चल फिर अंदर जाने, उसे दूध दे के आप और जैन को बोले, वो भी कहने लगा हाँ बुलाना, उसे कहते हैं नाचपान गाना दूध। बकरी भी हमने पूछ लो, उसने छोटे बकरी ना दूध दे, एक गाना दा बोतल आज पा दो ना, ये बकरी का दूध है, कितने किन्ना जे किन्ना वे दस किलो रख दो इतने पीछे, ठीक है इधर रख दे, पकड़ के रख फिर आराम से गिरे ना। हाँ ये दस किलो है, अब इसका घर जाके पनीर बनाते हैं। अब बोतलों की बात हो यार, जिन्ना भी है जिन्हें बोतलों हुई हैं ना उन्हें भर दो, गाय का दूध भी आ गया, ये पकड़ ले बस, इन्ना ही है गाय का दूध, बस इन्ना ही सी, चलो ठीक है। किधर है इतवार दिहाड़े आ गए कल, ये अफान हमसायों के घर दे दो, उन्हें कहीं ये आपके लिए गिफ्ट है, वो आगे वाले कौन थे,
आगे वाले को नहीं, ये जो इधर पठान रहते हैं ना इनको। चल फिजान दूध निकाल बीच में से, गिर गया ना तेरे कपड़े गीले हो गए हैं। चल निकाल और फिर वो गीले कपड़े से ना सीट को साफ कर दे वरना स्मेल आएगी। चल निकाल, असल में दूध ज्यादा था ना तो ये छलक छलक के नीचे गिर पड़ा ना। मेरे से नहीं निकल रहा। निकाल जल्दी उठा दोनों हाथ में, इतनी जान है। चल ले जाना जल्दी कर इतनी तो जान है। ये देखना गीला हो गया सारा, अंदर के इंतजाम खराब हो गया सारा, दूर इधर भी छींटे पड़ गई। गाय का दूध आज हम गिफ्ट भी लेके आए हैं ना, हम साये में जो आगे पीछे लोग रहते हैं उनको ये भी किसी को भेज देते हैं। ये सब्जी आज तो फार्म से आई हुई है, ज़्यादातर कद्दू करेले भिंडियाँ क्या क्या है हुआ है। बाहर पता नहीं कौन आ गया। के लेना के क्यों के करना ने? पता नहीं। दूध देना होवे ने जाओ फिर अंदर बच्चे दूध वाले लगता आ गए। खोल लो आ जाओ, चलो जाओ वो सामने किचन जो सामने अंदर सीधे जाओ। बकरी का दूध लेके गिफ्ट लेके बकरी के दूध का जा रहे हैं। ये देखिए कैसा गाढ़ा गाढ़ा दूध बकरी का, और ये दूध कुछ इधर आ गया चीज़ के लिए, इसे चीज़ बनेगी। खाने का प्रोग्राम आज बन गया है, बाहर सफाई इसकी हो गई है। वो साइड पे एक बोतल पड़ी है, पता नहीं दूध की है कि किस चीज़ की है। ये पानी की बोतल है, रेडी से टिक्के खाने का प्रोग्राम बन गया। तो रेडी वाले को तो हमने ऑर्डर कर दिया है, वो कहता है 15-20 मिनट तक आ जाए। इस दौरान हमने सोचा कि जो हमारे शहर में लाला मुसम इधर जलेबियों वाला एक रेडी वाला है, ये क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है, बंद होने से पहले पहले इसे जलेबियाँ ले लें। ये देखें ये जलेबियाँ निकाल रहा है, तो इससे जलेबियाँ ले लेते हैं ताकि बाद में फिर जलेबियाँ तो इंजॉय कर सकें। चल फिजान यहाँ पर हम खड़े होते हैं और आप जाके ना पहले तो उसे पूछेंगे कब तक है, अगर तो आधा पौना घंटा है ना तो फिर तो फ्रेश ही ले लेंगे, वरना फिर अभी ले जाएंगे। ये देखिए क्या आ गया बाहर, सामने बना रहा है जलेबियाँ, ये देखें ना। फिजान जलेबियाँ लेके आ भी गए, वो बंद करने वाला था बस अब ना। फिजान कितनी जलेबियाँ लेके आए? 430 ग्राम, 200 की 430 ग्राम, 200 की 430 ग्राम, इसका मतलब क्या है? तकरीबन 250 रुपये आधा किलो ही, 500 की किलो होगी ना फिर, मोटा मोटा अंदाजा ना। 400 कुछ की किलो कह रहा था जी। खुसरा साहब भी तशरीफ लेके आ गए, खुसरे की बात सुने। अब हमने इस तरह बैठ के ना गाड़ी में ये खाना है, गाड़ी में आ गया खाना। अभी कबाब शबाब वैसे को नहीं आए, कबाब भी आ गए। खाना तो हमने खा लिया और अब जलेबियों की बारी आ गई। ये देख जनाब कैसी सीधी सादी जलेबियाँ मटों के बगैर। वो
थोड़ी सूख गई वैसे है, बड़ी टेस्टी। क्या है बिलाहर घर वापस पहुंच गए। आज का अखबार जो है वो ये पढ़ा हुआ सामने, तो अभी चल गए हम पढ़ते हैं जनाब अखबार। और 9:30 बज गए, उसके बाद करते हैं रेस्ट। आप लोग भी करें रेस्ट। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।